हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारतीय राजव्यवस्था के बारे में बताया था। उसमें मैं 4 क्लास लिया था और आज मैं आपको भारत का भूगोल बताऊँगा। इसमें भी 1-2 क्लास है जो VVI क्वेश्चन है, मैं उसी को बताऊँगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध। भारत की आकृति कैसी है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। चतुष्फलकीय है, चतुष्कोणीय। भारत का कौन सा मध्य से गुजरने वाला काल्पनिक रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। भारतीय महाद्वीप मूलतः किस जिस भू विशाल भूखंड का भाग होता है उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितनी डिग्री अक्षांश में के मध्य है? तो 8°4 से 37°6 उत्तरी, और दक्षिण में क्या है तो 68.7 से 97.25 है। ये भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक तो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक तो 3214 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का जलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 75.6 किलोमीटर जलीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य है वर्तमान में, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन है? तो बांग्लादेश है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतीय हिमालय है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी हिमालय है। भूवैज्ञानिक मतानुसार आज जहाज हिमालय पहाड़ है, ठीक है। वहाँ किस नाम का एक उथला समुद्र था? दो तिथिस। भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किस पर्वत श्रेणी के मध्य है? तो पूर्वी व पश्चिमी घाट। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? शिव समुद्रम स्थापना 1902 में हुआ था। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन है? तो भाखरा नंगर, जिसको गोविंद सागर झील भी बोलते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख एवं एस्चुरी। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है उसका निर्माण डेल्टा के द्वारा करता है। भारत में अरावली पर्वत और सतपुरा का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। न्यू मुर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग करता है 10 डिग्री चैनल को। भारत में 3 अर्ध चंद्रकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। भारत के किस दर्रे से होकर आड़ियों ने प्रवेश किया था? खैबर दर्रा से। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर। भारत श्रीलंका किस जल संधि अलग करता है? पाक जल संधि अलग करता है। भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप रामेश्वर का द्वीप। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? तो लूनी। भारत के शरद ऋतु की अवधि मानी जाती है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक शरद। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन उपमा प्रदान की गई है? शून्य रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश को। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्य में किसकी लंबाई अधिक है? जम्मू कश्मीर की 1225 किलोमीटर। भारत विभाजन के पूर्व भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते थे? भारत और पाकिस्तान को डोरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान 106। मैकमोहन रेखा निर्धारित किया जाता है 27 अप्रैल 1914 को हुआ था भारत और चीन। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान 1947। देश का दृष्टि बिंदु कौन है? तो 6°4 उत्तरी अक्षांश पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी 8249 वर्ग किलोमीटर है इसका। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात 45652 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला माह है पुदुचेरी में है 9 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में।
काल सुवर्ग कटक कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर के किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? ब्रिटिश झील को बोला गया है उपमा। किस आयोग ने वसाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था? डार आयोग 1948। नुब्रा नदी कहाँ से मिलती है? सियाचिन ग्लेशियर। बंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिकतम दक्षिणावर्त है? बंगलुरु। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत की किस राज्य के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? त्रिपुरा। भारत के कितने राज पड़ोसी देशों के स्थले से मशहूर है? 17। भारत के कुल कितने तट रेखा से लगे हैं? 9। किस क्षेत्र में भारत का हृदय का स्थान माना जाता है? गंगा के मैदान को। भारत का कौन सा स्थल तीनों सागरों का संगम कहलाता है? तो तीनों सागरों का कन्याकुमारी बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से जाना जाता है, पिग्मेलिन तथा पार्सन पॉइंट बोला जाता है। ये दक्षिणी बिंदु का है, ठीक है, और उत्तरी बिंदु का इंदिरा कौल है ना। पश्चिमी बिंदु पे सर क्रीक है और पूर्वी बिंदु पर कौन है? बलांगू अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है। देश में तहसीलें की सर्वाधिक संख्या है आंध्र प्रदेश में। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में सबसे अधिक है, तमिलनाडु में। देश में गाँवों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, 97,941 में है। एक समुद्री मील कितने मील के बराबर होते हैं? 1.82 किलोमीटर। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एना वीले 1752 में बनाया था भारत का प्रथम मानचित्र। काकाकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन को किस प्रांत से जोड़ता है? सियांग। सियाचिन और स्थित गेरस भूम चोटी एवं साल्ट्रो श्रेणी पर किसका अधिकार है? जी भारत का। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। कायांत्रित चट्टानों क्रम किसे कहा जाता है? आर्कियन समूह में की शैली को। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनदी कौन सा है? तो प्लीस्टोसीन हिमनदी। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? तो धारयुग युग में। प्रायद्वीपीय भारत पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था? गोंडवाना युग में। भारत के रूढ़ प्रदेश की उपमा किससे जाता है किससे दी गई है? तो रूढ़ होता छाटू छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादक हैरी हेस। दिल्ली क्रम की शैल किस प्रकार चट्टाने है? जी कुड़प्पा क्रम की। भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप। देश की वर्तमान अवस्था की लिस्ट कब सूचित की गई थी? प्लास्टियोसिन युग में। असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो शिवालिक क्रम हिमालय की। राजस्थान में तांबा कोबाल्ट रांगा किस समूह की शैल से प्राप्त होता है? तो कुड़प्पा समूह। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ? तो बेसाल्टीय चट्टान से। राजस्थान और मरुस्थल भाग भूगर्भिक संरचना को दृष्टि से किसका विस्तार होता है? प्रायद्वीपीय पठार का। मालाबार तट की विशेष स्थल कृति है कायल। भारत का सबसे ऊंची पर्वत केटू है अर्थात गोडविन अस्टविन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है? काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो राकापोशी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोम्पा बोला जाता है। गंगोत्री हिमनदी किस हिमालय में स्थित है? तो कुमायूं के हिमालय। नथुला एवं जेपला दर्रा सिक्किम में है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कश्मीरी घाटी तथा डल झील किसके बीच है? तो बृहत हिमालय और फिर पंजाल के मध्य। उत्तराखंड के किस भाग को पाताल कुएं पाया जाते हैं? तराई में। करीवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिमालय। केसर की खेती किस पर की जाती है? करीवा पर। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा एवं चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? कश्मीर हिमालय। काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी। फूलों की घाटी कहा जाता है कुमायूं हिमालय को बोलते फूलों की घाटी। अश्लेष एवं वर्ण कृषि किस खेती पत्ति में उपमा है? स्थानांतरित कृषि। लोकटक झील मणिपुर घाटी में। मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है? मिजोरम में। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर सासाइमी 158 किलोमीटर है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच। हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है? शिवालिक हिमालय। बुंग्याल तथा फयाड़ घास के मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तराखंड में। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो
बुराई। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा क्या है? बुर्जिल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा। उप हिमालय या वाह हिमालय किसकी संज्ञा है? शिवालिक हिमालय की। मध्य हिमालय की दक्षिणी श्रेणी धौलावर पूर्व में किस नाम से जानते हैं? महाभार श्रेणी, सुलेमान तथा क्रीधर पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पाकिस्तान में। म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? तो आराकान युमा। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। केटू अर्थात गॉडविन अश्विन कहाँ स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? तो जास्कर और लद्दाख। कच्छीय प्रदीपीय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? गिरनार 1117 मीटर। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतना नदी ने किस युगार्ज द्वारा विक्षेपित किया था? तो शिपकला गौज। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसी होती है? पछुआ विक्षोभ के द्वारा। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे में गुजरता है? बनिहाल दर्रा। सेवराय पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। और अब मैं आपको हिस्ट्री से कुछ बताऊंगा, और आज का मेरा हिस्ट्री में चैप्टर है भारत के यवन राज। तो आपको पता होगा कि जब भारत पर आक्रमण करने वाले कौन कौन विदेशी आक्रमण यहाँ आए थे। पहले आए थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। तो आपको पता होगा कि जो एंटियोकस प्रथम ने यहाँ मतलब आए थे यहाँ पहले हिंद यूनानी में, ठीक है। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक ड्रेमिटियस ने किए थे, और 190 ईसा पूर्व में। और ये अपनी जो राजधानी बनाए थे, साकल अपनी राजधानी बनाए थे। और उसके बाद हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था, ठीक। इस ये अपनी राजधानी साकल यानी कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना था। और मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन भी आई है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। अब बोला जाएगा कि शुद्ध सोने के सिक्के जारी, तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के जारी किए, ठीक ना। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, और सबसे पहले यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला है शक। तो शक जो है ये शक उसके बाद आए थे, यूनानी के बाद शक आए थे। और ये शक का जो प्रतापी राजा था मोधा, कौन था? मोधा। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भाग आए थे। जो शक थे ना, मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भाग आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित करके बाहर खड़े कर दिया था शक को, और विक्रमदित्य की उपाधि धारण कर ली। और शकों पर विजय के उपलब्ध में 58 ईसा पूर्व में एक नया सम्मत बना जिसको विक्रम सम्मत के नाम से जाना जाता है। और उसी समय विक्रमदित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि विक्रम सम्मत 58 ईसा पूर्व में बना था। शकों पर सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो रुद्रदामन प्रथम थे, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व के गुजरात के बड़े भाग पर हुआ था। रुद्रदामन जो संस्कृत के बड़े प्रेमी थे, रुद्रदामन जो थे संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किए थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रप कहते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे। उसके बाद कुषाण आए, कुषाण पहला पद के बाद कुषाण आए, ठीक है। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजल कटपिसस थे। यह वंश सबसे प्रतापी राजा इस वंश का था कनिष्क, कौन था? कनिष्क, जिसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बनाई थी। और कुषाणों ने दूसरा राजधानी भी मथुरा बनाई थी इसमें। और कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में एक सम्मत चलाया जिसको शक सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन के प्रसिद्ध और किसके अध्यक्षता में? तो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल पेन चौवा के कनिष्क को हराया था, ठीक है। और आरंभिक कुषाण शासनों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा चलाए और जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थे। अभी भी बताया था कि कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे, शुद्ध सिक्के, और सबसे पहले चलाए थे यूनानियों ने। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात
विद्वान चरक था जिसका संबंध होता था, रचना किए थे चरक संहिता का। महाभिषान सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, इसने ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा था, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोला जाता है। आपको पता होगा भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है, इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में, इस पुस्तक में नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। और कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एक मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और गंधार कला के लिए तजशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क नहीं करवाए थे। रेशम बनाने का तात्कालिक आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।